हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज प्रमोशन। आज हम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। हमें यहां पर प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल दिया गया है इस तरह से, जिसके डायगोनल्स इक्वल है एंड एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल है एंड ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर, यानी कि ये एंगल जो भी क्रिएट हुए हैं ये सभी 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ओके, तो लेट्स से इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी सी डी एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कह देते हैं ओ। तो अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। फर्स्टली हमें इसको पैरेललोग्राम बताना होगा, उसके बाद अगर पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड इनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं तो फिर वो पैरेललोग्राम स्क्वायर कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पर दिया क्या है। इस गिवन, यहाँ हमें दिया गया है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड इस क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स हैं ए सी वो बी डी के इक्वल है एंड जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल है एंड अगर इन सभी एंगल्स को नाम दें 1 2 3 4 तो ये सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ये सभी 90 डिग्री के हैं, ये सब हमें दिया गया है। अब हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज स्क्वायर। ओके, इसका मतलब है कि हमें क्या प्रूव करना है कि इसके सभी साइड्स इक्वल हैं। ए बी बी सी सी डी ए डी ये सभी इक्वल है एंड इसके अलावा हमें प्रूव करना है एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी ये सभी 90 डिग्री के हैं। ओके, हम यहाँ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में देखा जाए तो हमें ए डी को बी सी के इक्वल प्रूव करना है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम ले लेते हैं जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। ओके, इन द ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल डी ओ सी हमारे पास है ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये हमें गिविन है। ओके, एंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। एंगल 3 एंगल 4 ईच 90 डिग्री एंड ये जो साइड ओ डी है ये कॉमन साइड है तो ओ डी इज इक्वल टू ओ डी विच इज कॉमन। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी, कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल हमने यूज किया है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो बाय द सीपीसीटी हम कह सकते हैं ए डी एंड डी सी इक्वल है। ओके, सो ए डी इज इक्वल टू डी सी बाय सीपीसीटी। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को लेकर के ये दो साइड्स इक्वल प्रूव कर दी है। सिमिलरली अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लें और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम सीपीसीटी से कह सकते हैं सीडी एंड बीसी इक्वल। सिमिलरली अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लिया जाए तो बीसी एबी के इक्वल प्रूव किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव ए जो हमने अभी अभी प्रूव किया है डीसी इज इक्वल टू बीसी एंड इसके साथ साथ हम प्रूव कर सकते हैं बीसी इज इक्वल टू ए बी। तो इसको हम कंबाइंडली सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं एंड ये जो आया है रिजल्ट इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 तो इनको कंबाइन करके लिखें तो चारों ही साइड्स इक्वल प्रूव कर सकते हैं। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी, इट इज इक्वल टू सी डी एंड इट इज इक्वल टू एडी। तो इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल प्रूव हो गई हैं। लेकिन पहले हमें इसको बताना है कि ये पैरेललोग्राम है,
तो हम इसमें से ओपोजिट साइड का पेयर ले लेते हैं. सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पर हमने फर्स्टली देखा कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है एंड इसके साथ साथ चारों साइड्स भी इक्वल प्रूव हो गई हैं. नाउ हमें देखना है कि इसकी जो ये इंटीरियर एंगल्स हैं यानी कि एंगल डी एंगल सी ए बी इन सभी को हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है. तो फिर ये पैरेललोग्राम स्क्वायर कहलाएगा. एंड नाउ हम इस चीज के लिए चलते हैं इन द ट्रायंगल ए डी सी एंड बी डी सी में. ओके, इन द ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी. तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं इनमें दिखाई दे रहा है ए डी एंड बी सी इक्वल है. ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड जो ये सी डी साइड है ये कॉमन साइड है. डी सी इज इक्वल टू डी सी. यहाँ पर ये ऊपर हमने लिखा है ए डी बी सी जो कि हमने प्रूव किया है ऊपर प्रूव अबव. ओके एंड ये चीज हमने कॉमन ली है तो दिस इज कॉमन साइड. ओके एंड नाउ हम ले सकते हैं ए सी एंड बी डी जो कि इक्वल दिए गए हैं. ए सी एंड बी डी ये इक्वल दिए गए हैं, इट इज गिवन. ओके तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल हमें कहता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. सो द ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी. ओके बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल. ओके एंड नाउ हम ये कह सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी डी. Angle D is equal to angle C by CPCD. Okay. And now, अब हमें इन दोनों को 90 degree prove करना होगा. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ABCD जो है वो एक parallelogram है. Parallelogram की जो opposite sides होती हैं वो parallel होती हैं. So AD and BC को हम parallel कह सकते हैं. Since AD parallel to BC and जो DC line है उसको हम ट्रांसवर्सल कह सकते हैं. इट इज ट्रांसवर्सल. ओके तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल डी एंड एंगल सी है ये को इंटीरियर एंगल्स है एंड इनका सम 180 डिग्री होता है. सो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. दीज आर को इंटीरियर एंगल्स. ओके तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल डी एंगल सी के इक्वल है तो हम यहाँ नेमिंग चेंज कर सकते हैं. एंगल सी प्लस एंगल सी दिस इज 180. सो इट इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल बी भी 90 डिग्री के इक्वल है एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट वी कैन प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके एंड नाउ हम इस रिजल्ट को जहां हमने चारों साइड्स इक्वल प्रूव की है एंड ये रिजल्ट जहां हमने चारों एंगल्स 90 डिग्री के प्रूव किए हैं इनको कंबाइन किया जाए तो ये जो ए बी सी डी है इसको हम स्क्वायर कह सकते हैं. ओके इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं एंड इस रिजल्ट को हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 4. तो लास्ट में हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 3 एंड 4 A B C D is square. Okay, hence proved. तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि किसी भी quadrilateral को square prove करने के लिए पहले उसको parallelogram बताना जरूरी है and parallelogram बताने के बाद square होने के लिए जो condition जरूरी है वो हमें prove करनी होगी. That means चारों sides equal and चारों angles 90 degree के हैं. ये हमें prove करना होगा. तो यहाँ पर इस तरह से हमने ABCD को स्क्वायर प्रूव कर दिया है. अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो.